अचानक से घर में आ जाए मेहमान या फिर हो किट्टी पार्टी तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गेहूँ के आटे से बनी इतनी प्यारी सी क्रिस्पी और परतदार मटरी। आई होप आपको पसंद आएगी। वेलकम बैक टू माय चैनल फैजन सारी निशा रसोई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, और दिल से पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर चाय के साथ बना रही हूँ, वो भी फुल मज़े के साथ। तो चलते हैं रसोई के अंदर और देख लेते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या सामान चाहिए होंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें आटा, जो पूरा लेवल हमने पूरा फुल कप भर कर लिया है। हाफ कप लिए हमने सूजी, तो सूजी हमारी बिल्कुल प्लेन है, यानी कि आधा कप सूजी है। और 1/4 कप लिया है हमने यहाँ पर मेल्टेड घी, तो घी मैं आपको टेबल से बता दूँ तो 2 टेबल भर भर के लिया है मैंने। क्रिस्पी सी ले ली हमने कसूरी मेथी नमक स्वाद अनुसार, और 1/2 टीस्पून ले लिया है भुना कुटा जीरा, और यहाँ पर ले लिया है हमने अजवाइन, और काली मिर्च का पाउडर ले लिया है 1/2 टीस्पून। और हाँ, काली मिर्च का पाउडर आप जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यह है मेन की हींग, तो हींग ले लिया मैंने 2 से 3 पिंच, तो 2 से 3 पिंच हींग ले लिया। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है पेट के लिए। तो फ्राई चीज़ खा रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूरत तो पड़ेगी हींग की। तो यहाँ पर ले ली है मैंने आलू, तो लेबल बता दूँ मैं आपको, लेबल यहाँ पर 1 कप लिया है मैंने आलू, तो बॉइल आलू है, मैंने आलू अच्छे से बॉइल कर लिया है तब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले डाल लेते हैं इसके अंदर 1 कप अपना गेहूँ का आटा, तो गेहूँ के आटे से बना रहे हैं। इसमें जाएगी हमारी 1/2 कप सूजी, और इसी के साथ जाएंगे हमारे 2 आलू मीडियम साइज के, जो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। और इसी के साथ में जाएगा हमारा स्वाद अनुसार नमक, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही रखें। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही हमें सारे हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे, जैसे काली मिर्च का पाउडर यानी कि भुना कुटा जीरा, जैसे मैंने आपको सब बता दिया है। और हाँ, ये यहाँ पर हमने जो अजवाइन ली है, अगर आपका इसका फ्लेवर पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर दें और अजवाइन डालें, तो हाथ से थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लें यानी कि ग्रिश कर लें, और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब ग्रिश कर लेते। तो ये कसूरी मेथी है, इसको भी हाथ से थोड़ा सा ग्रिश कर लें, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको इसका भी फ्लेवर पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसे माशाल्लाह स्किप ना ही करें तो बहुत अच्छा रहे, ये कसूरी मेथी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया 2 टेबल भर भर कर रिफाइंड ऑयल, तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डालें या फिर मेल्टेड घी डालें, आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें हम एक साथ मिला लेंगे और अच्छे से पानी का यूज़ यहाँ बहुत कम करेंगे, ज़रूरत होगी तो ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की मेरी सेम आईडी है फैजन सारी निशा रसोई। और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, और हमें इसका थोड़ा सा सख्त का डो तैयार करना है, डो ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा डो तैयार करना है, जैसे हम नमक पारे या फिर समोसे के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे आटे ने बहुत अच्छे से रेस्ट ले लिया है। सूजी जो होती है काफ़ी ज़्यादा पानी अब्सॉर्ब कर लेती है, और उससे क्या होता है तो जो हमारा डो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा हार्ड नहीं लगाता, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पर इसी स्टेज पर हम इसके 2 पार्ट करेंगे, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लोई तैयार कर ली है, उस लोई की मैंने बड़ी सी रोटी बनानी है यहाँ पर हमें। तो देखिए यहाँ पर हमारी रोटी बहुत अच्छे से बड़ी सी बेल गई, बेली है मैंने, और बहुत अच्छे से अब हम करेंगे इसको मेल्टेड घी लेके या फिर रिफाइंड ऑयल, कोई भी कोकोनट कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा कर देंगे सूखा डस्ट, यहाँ पर डस्ट आटा करना बहुत ज़रूरी है, और तभी इसकी लेयर अच्छी सी बनेगी, बहुत अच्छी सी लेयर खुलेंगी। तो एक हम इसका एक पार्ट उठाएंगे और 2 इंच का बराबर पार्ट बनाकर इस तरह ही डबल करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह फोल्ड कर रही हूँ, और जैसे लास्ट वाला हमारा बचता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करने से पहले यहाँ पर लगाएंगे हम हल्का सा पानी, तो किनारे किनारे पानी लगा देंगे ताकि जो हमारी लास्ट वाली लेयर है वो खुले ना।
ताकि जब हम फ्राई करें तो फ्राई करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम पहले ही पानी लगाकर इसको पूरा कवर कर देंगे। अब जो हमारी स्टार्टिंग की है, हम इसे पहले कट कर देंगे, साइड का पार्ट हटा देंगे और हम इसके 1-1 इंच बराबर इसकी यहाँ पे कट करेंगे। तो एक ही साइज़ के मैं कट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो दिल से अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और लाइक के साथ साथ कमेंट ज़रूर करके बताना आपकी शेयर से देख रहे हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है। अच्छी लगती है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। बस इसको दबाना है और ऐसे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर बनकर हमारा कितने प्यारी सी मटकी बनकर तैयार हो गई है, देखिए। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। जैसे मैंने आपको बताया, कोई किटी पार्टी हो या फिर कोई मेहमान आ जाते हैं, अचानक खुद का भी मन करता है खाने का, तो इस तरह बनाकर खाइए, वो भी आटे से। इसे आप महीनों भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्टोर कर सकते हैं, किसी कंटेनर में डाल लें तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मिलेंगी। एक बार बनाएं और महीनों भर रख के खाएं। तो देखिए मैंने एक ही साइज़ की बना ली है। जो लास्ट वाली है वो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी बन सकती है, लेकिन सारी मेरी एक ही साइज़ की है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली है, माशाल्लाह से बहुत ही बढ़िया बनी है। तो दूसरी तरफ मेरा गैस पे अच्छे से ऑयल भी अच्छे से स्मोकिंग कर रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। तो गैस का फ्लेम इस स्टेज पर हमें हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम ही यहाँ पर वो अपने मिट्टी डालेंगे। तो देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही गैस को चालू कर दिया था और इसके अंदर जब अच्छे से स्मोकिंग हो गई थी तो हाई फ्लेम पर डालें। अगर आप एक एक दो दो सेक रहे हैं तो गैस का फ्लेम बीच में लो कर लें। अगर आप सारे एक साथ डालें मेरी तरह, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल भी आप लो ना करें। हम ठंडे तेल में डालेंगे तो जो हमारी मटरी है वो सारा तेल पी जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं होंगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पर आपको हाई फ्लेम रखना है। अगर सारी डाल रहे हैं, अगर थोड़ी थोड़ी करके सेक रहे हैं, आपका पैन या फिर कढ़ाई छोटी है तो आप यहाँ पे थोड़े थोड़े करके सेकें तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर लें। तो मैंने हाई फ्लेम पर डाला था गैस का फ्लेम, मैंने कम से कम 5 मिनट के बाद इसको लो करा था। इससे ये होता है, अगर हम हाई फ्लेम पर सेक लेंगे तो ऊपर से कलरफुल हो जाएंगी और अंदर से क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरी मटरी क्रिस्पी भी होने वाली है और खस्ता भी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला था मेल्टेड 1/4 कप घी। तो आप घी, रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ कितना प्यारा सा कलर आ गया, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रही है। और चाय के साथ तो इसका डबल मज़ा आने वाला है। दूसरी साइड बन रही है मेरी चाय, तो यहाँ पर चाय भी रख दी है मैंने, एक साइड पैन पर बनाने रख दी है। और यहाँ पर हमारा अच्छा सा कलर आ गया है मटरी के अंदर। तो फटाफट से निकाल लेते हैं इन्हें और फिर इन्जॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करके लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लेयर भी दिख रहे हैं इसके, और माशाल्लाह दिखाई भी कितना प्यारा प्यारा सा कलर दिख रहा है। तो फटाफट से निकाल लेते हैं इसे और चाय भी निकाल लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको टिश्यू पेपर में निकालूंगी ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल हो वो अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर के अंदर। तो डायरेक्टली बिछा लिया मैंने टिश्यू पेपर अपनी प्लेट के अंदर और डाल दिया इसको टिश्यू पेपर के ऊपर, जहाँ एक्स्ट्रा कोई ऑयल वगैरह हो तो उस पर रह जाए। तो माशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है, ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने डाली है इसको अपनी ना केचप के साथ ले रही हूँ ना ग्रीन चटनी के साथ, इसका ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है चाय के साथ। तो चाय बनाई है मैंने मसाला चाय और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अम्मी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।